हेलो एंड वेलकम टू दिस शो वन सेकेंड्स सेलिब्रेशन ड्रॉपशिप सीरीज के अंदर दिल्ली के स्टूडियो में मैं आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूँ। आई एम शेख फिरोजुद्दीन योर होस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इशू को लेकर और हमने इसी के लिए चर्चा के लिए बुलाया है हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर विक्की। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी एंड आज इस टॉपिक को आपने पिक किया है हेल्थ। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली हेल्थ के बारे में बात करूँ तो हेल्थ बिकम्स द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ आवर नेशन। देखिए मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि टेररिस्ट जो अटैक होती है उससे भी बड़ा इश्यूज जो है हमारे देश में होता है हेल्थ इश्यूज है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक छोटा सा एक डेटा बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज के ऊपर ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड ओबेसिटी, बट हर साल डायबिटीज से 40 लाख लोगों की प्रत्येक वर्ष जाने जा रही है। तो क्या फिरोज जी आप बताइए कि क्या ये एक मुद्दा का विषय नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ा विषय है राइट। हर साल 40 लाख लोग मर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक हर एक इंसान हेल्थ के बारे में जानता तो सब है, हर एक इंसान जानता है, बट इसके ऊपर डिस्कस करना, इसके ऊपर समझना, इसको एक सीरियसली लेना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता राइट। और इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब हेल्थ इश्यूज की अगर मैं बातें हो ही रही हूँ तो देखिए हेल्थ इश्यूज इसलिए बहुत बड़ा हुई है, इसलिए एक बहुत बड़ा कॉमन चैलेंज हुआ क्योंकि जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो कॉमन प्रॉब्लम्स को देखते हैं डायबिटीज को लेकर या फिर हार्ट से रिलेटेड हो गया या ओबेसिटी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि अगर आपको एक बार डायबिटीज हो जाता है फिर आपको एक लॉन्ग लाइफ के लिए मेडिसिन खाना पड़ेगा, मेटामोफिन जैसे मेडिसिन से आपको लॉन्ग लाइफ, इट कैन नॉट बी रिवर्स। बट आए दिन आज के दिन आपने देखा भी होगा सुना भी होगा इंटरनेट पे कि इसके सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं कि आप डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हो। और मैं भी ये बात बोलना चाहूंगा कि यस इट इज पॉसिबल, लेकिन आपको उसके लिए जानना पड़ेगा कि क्यों ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है। बिल्कुल क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात बताया, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर लोगों की जो पर कैपिटल इनकम बहुत कम है और बेसिकली जब क्या होता है आपकी पर कैपिटल इनकम बहुत कम होती है तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज इंक्रीज भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आज की डेट में मैं कहता हूँ टेररिज्म से बड़ा क्राइम जो है वो हेल्थ है। यस क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी एक ऐसी बीमारी इतना नहीं हो सकती जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे डायबिटीज है। यस yes. ये बीमारी नहीं है, आज से अगर 40 इयर्स पहले जाएंगे तो डायबिटीज की बीमारी थी नहीं। सर ये लाइफस्टाइल कंडीशन या बीमारी के कैटेगरी में आता नहीं, हम इसे लाइफस्टाइल कंडीशन बोलते हैं, यानी हमारे रहने सहने खाने पीने में जो बदलाव आए हैं पिछले 50 वर्षों में उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हुई। तो देखिए जैसे आपने बताया है कि डायबिटीज हुई और तरह की एनर्जी हुई, इसीलिए मैं आज के डेट में देखो चाहे वो बच्चा हो, यूथ हो या एक एल्डर आदमी हो, इन तीनों के अंदर एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है एनर्जी। बच्चे के अंदर आज के दिन में 5 साल के बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है वो जाके खेल ले ठीक है। जो बंदा ऑफिस में काम कर रहा है आपको पता जो शुरू होता है या कुछ भी होता है लोग फूड तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, खाना खा ही रहे हैं, खाना आप भी खा रहे हैं, हर आदमी खा रहा है खाना, लेकिन क्या खाना वो सही है उसकी बॉडी के लिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि हम आज इंडियन इस पर बिलीव ही नहीं करते, हमने लगता है कि हमने दो रोटी खा ली तो बहुत है, क्या वो खाना सफिशियंट है आदमी की बॉडी के लिए या नहीं, आप बताइए। फिरोज जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है और ये इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल जाना चाहूंगा क्योंकि ऐसा नहीं है लोग खाना खा रहे फिर भी उनको एनर्जी की कमी क्यों है, ये सबसे बड़ा जानना ये सबसे बड़ा टॉपिक है और ये हमें जानना चाहिए आई थिंक राइट। क्योंकि खाना तो हर एक इंसान खा रहा है फिर भी वीकनेस फटी की ये प्रॉब्लम आ गई रही है राइट, क्यों आ रही है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमें बॉडी के मैकेनिज्म को थोड़ा ब्रीफली समझना होगा और मैं बताता हूँ कि फिरोज जी देखिए होता क्या है बेसिकली कि आप जो भी खाना खाते हैं यानी आप पानी पी रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, आप किसी भी तरीके के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में जाते ही वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। तो जब वो ग्लूकोज आपका लिवर उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजता है तो वो जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड से ब्लड सेल में जाता है तब आपको ऊर्जा महसूस होता है या फिर आपको ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके ब्लड में वो ग्लूकोज तो जा रहा है लेकिन वो ग्लूकोज ब्लड से ब्लड सेल में नहीं जाता जिसके वजह से आपको लगता है कि भी हमारे पास तो ऊर्जा ही नहीं है क्योंकि आपके सेल्स को वो खाना पहुंच नहीं रहा, ग्लूकोज तो पहुंच नहीं रहा, तो फिर आपको लगता है कि भाई हमने तो पेट भर के खाया फिर भी हमें ऊर्जा नहीं है। तो आपके ग्लूकोज आपके बॉडी में जा रहा है लेकिन ब्लड सेल तक नहीं जा रहा, उसका सबसे बड़ा कारण कि जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फैट्स ज्यादा है, अनहेल्दी फूड्स है जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं जिसके वजह से ये फटी की प्रॉब्लम्स आ रही है डेफिनेटली। तो जैसे विक्की ने बहुत अच्छे डिस्कस करी
क्योंकि इन सबको रिजॉल्व करने के लिए जैसे आपकी कंपनी का एक प्रोडक्ट है ठीक है, जहाँ पे आपको एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन देना नहीं पड़ता, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, और उसको एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं सी पकथॉर्न ठीक है। जो तो थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। डेफिनेटली फिर मैं आपको सीबकथॉर्न के बारे में बताने से पहले मैं ये बोलूंगा कि देखिए, आज से हमसे पहले भी लोगों ने आपसे डिस्कस करी होगी, और लोगों ने कई सारे प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करी है कि आप 5 सर्विंग हो, मतलब 5 अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते तो आप हेल्दी रहते हैं। तो ये बात आज कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं है, पहले भी हमें पता था। बट क्या होता है फिरोजी कि हमारे ये आदत में नहीं होता, या फिर हमारे आदत से ये चीज को निकाला गया है। आप समझे, आप 5 तरीके के अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए आप हेल्दी रहेंगे, लेकिन आज डे टू लाइफ में ये पॉसिबल नहीं। हमारा लाइफ बहुत हैक्टिक है, एंड एप्पल सा डे किम सा डॉक्टर अवे कहा जाता है। बट आप अपने आप से सवाल करें फिरोज जी, या लोग अपने आप से सवाल करें, क्या हम खा रहे हैं? शायद नहीं, और वो सब पॉसिबल नहीं है। आप मेरी बात को समझिए राइट, और वो भी एक सही मात्रा में। आपको फल सब्जियां 200-300 ग्राम खाना पड़ेगा, 100 ग्राम नहीं खाते, 200-300 ग्राम। तो मुझे ये प्रॉब्लम पता था, क्योंकि लोगों को आज 2 मिनट में सोल्यूशन चाहिए मैगी की तरह। तो आज उसका सोल्यूशन हमें हमें मतलब हमें ये पता था कि ये प्रॉब्लम है, तो हमने ये सोल्यूशन को ढूंढा, हमने रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि सीबकथॉर्न एक बेरीज है जिसके अंदर 26 तरीके की फल और सब्जी के गुण पाए जाते हैं। मतलब एक रिसर्च के मुताबिक, एक इनफैक्ट 200 से भी ज्यादा रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया कि सीबकथॉर्न में 190 पोषक तत्व है। मतलब वो सारे पोषक तत्व जो आपके शरीर को जरूरत है, एज पर FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना कि 13 तरीके के विटामिन मिनरल चाहिए जो आपके खाने से नहीं मिलता, आपको वो सारी चीजें सीबकथॉर्न से मिलती है। तो गेस व्हाट, अगर आपको वो सारी चीजें फुलफिल हो गई, आपको डेफिनेटली कोई बीमारी नहीं होगा। ये वो सही बात है। देखिए, हम अपने व्यूअर्स के और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सीबकथॉर्न जो प्रोडक्ट है बेसिकली, ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली सुपर फूड ऑफ इंडिया है ठीक है। और इस प्रोडक्ट के बारे में आज विक्की जी ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो भी यूज़र है जो इसे यूज़ करना चाहते हैं बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा बेनिफिट बता दें। इंडियन आर्मी आज के डेट में इस प्रोडक्ट को यूज़ करती है, DRDO ने से इस पर DRDO ने बहुत सारी रिसर्च करी है, और DRDO रिसर्च करने के साथ साथ क्या है, अगर आप देखें हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में बात कर रखी है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। अब सवाल ये आता है कि आपकी इतनी सारी मेजर प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट के अंदर है, इस फूड के अंदर है, तो इस फूड को आपको कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको डेफिनेटली इस फूड को परचेस करना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इस फूड की कॉस्ट क्या है और किस कॉस्ट पे ही मिलता है। सवाल ये आता है कि जो आपका जो क्वेश्चन है, वो सवाल का मैं आंसर भी देता हूँ। ये जो क्वेश्चन, ये जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली आपको चाय की कॉस्ट पे मिलता है, वेटिंग में गलत तो नहीं? नहीं, डेफिनेटली सर, चाय के कोस्ट पे मिलता है। अगर मैं इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ कोस्ट के ऊपर, तो देखिए सर, हेल्थ के लिए तो सर कोई कोस्ट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ, अगर वो चला गया तो फिर आपके पास वो वापस नहीं आया। लेकिन अगर मैं कोस्टिंग की बात करूँ, तो इस बॉटल जो जूस है हमारे पास कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, यानी आप 100 ग्लास तक जूस बना सकते हैं, और जो हमने कोस्ट रखा है बिल्कुल नॉमिनल 1575 रुपये का, 1575। अगर 100 ग्लास से कंपेरिजन करेंगे तो नियर अबाउट 1 ग्लास का 15 रुपया पड़ता है। सर आप बताओ फिरोज जी, आप जब मार्केट में जाते हैं आप और संतरे का मौसमी का जूस पीते हैं, 40 रुपये का कोस्ट होता है, वो भी शुगर डाला होगा, आपको 40 रुपये में केवल विटामिन सी मिल रहा। बट एक 15 रुपये गिलास सीबकथॉर्न जूस में आपको विटामिन सी के अलावा 190 और भी पोषक तत्व, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा फैटी एसिड, कई सारी चीजें मिल रही। तो आप खुद भी तुलना कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए एक और भी विकी, हमारा जो पर्पस था इस प्रोडक्ट को लाने का और हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखाने का, वो रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट जो होता है, जैसे हम आज की डेट में जैसे मैगी हुए, बर्गर वगैरह जो भी हो गए, उनकी वजह से मार्केटिंग का प्रोसेस होता है, और मार्केटिंग की वजह से वो प्रोडक्ट हिट हो जाता है। जो हमारी नई जनरेशन है वो कंज्यूम कर रही है, और जिस वजह से उनके ज़्यादा वीकनेस आ रही है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो देशवासी हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट को कंज्यूम करें जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और उनके हेल्थ के साथ साथ उनको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर मिल जाए। तो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली 1550 रुपये का, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे आज ये सब्सक्राइब करते हैं और आज ये परचेस करते हैं, तो आज आपको सेलिब्रेशन 22% का कोड डालना है, जिसपे आपको आज 24 आवर्स के लिए ये प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट के साथ आप परचेस कर सकते हैं सेलिब्रेशन.in पे जाके। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी प्रोडक्ट साउथ दिल्ली के अंदर से परचेस करता है, पहला कस्टमर साउथ दिल्ली के अंदर से परचेस करता है, तो उसके यहाँ डिलीवरी के लिए और कस्टमर डिलाइट के लिए मैं और विक्की चौधरी आपके घर पे आएंगे, और आपके घर पे आके वो प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे। थैंक यू सो मच।
वॉचिंग हमारा एपिसोड, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को बहुत सराहा और बहुत कुछ देखा।